हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आप देख रहे हैं एशियन टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप सभी को पता होगा कि मैं एक पाइथन का कंप्लीट कोर्स लेके आया हूँ, जिसमें आप सभी को कंप्लीट पाइथन सिखाऊंगा, वो भी पूरे हिंदी में। और आपको हर एक वर्ड का मीनिंग अलग अलग से एकदम आराम आराम से आपको सीख समझाऊँगा। तो चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल। और जो वेरिएबल है, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही मेन पार्ट होता है। तो इसके बिना आप कोई भी बड़ा सा प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो चलिए, हम वेरिएबल के लिए कुछ रूल्स है, वो रूल के साथ हम कुछ प्रिंट भी करवा देते हैं। तो चलिए, उसके पहले सबसे पहले हम फाइल बनाते हैं। तो आपको पता होगा फाइल बनाने का नाम। चलो, इसका नाम लेते हैं सिर्फ भार भार डॉट पी वाई। देखिए, यहाँ पे बन गया। इसको यूज़ कर लेते हैं। अब ओपन कर लेते हैं उसको। बाहर आ गया यहाँ पे। तो देखिए, कुछ रूल है, सो आप नहीं कर सकते ये। यू कैन नॉट, यू कांट डू। जैसे कि आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ इस तरीके से आप नहीं कर सकते। जैसे कि आपको वेरिएबल बनाना है, आप वन लिख दें या वेरिएबल का नाम लिख दें एबीसी या एबीसी या कुछ भी, आप नहीं कर सकते। आप कभी भी वन जो है ना, ए बी वन टू से शुरू नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल के लिए। पहली बात आपको याद रखना होगा, आप कभी भी वन टू से शुरू नहीं कर सकते। आपको जब भी करना तो ए बी सी डी से ही शुरू करना पड़ेगा। और आप क्या नहीं कर सकते, आप ये जो साइन होता है ना, ऐसा साइन आप इस तरीके के साइन से भी नहीं शुरू कर सकते, चाहे कुछ भी वेरिएबल का नाम देना हो। लेकिन इस तरीके के नाम से भी आप शुरू नहीं कर सकते। कैन नॉट स्टार्ट विथ, आप इसे वन टू से नहीं शुरू कर सकते। ये जो साइंस है, इससे नहीं शुरू कर सकते। दो रूल हो गया, शुरू नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, यू कैन स्टार्ट, मतलब आप इस चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्या हो गया, लगाते हैं जैसे कि कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप। ए वाला साइन जो है ना, जो ड्रेस जैसे बोलते हैं, वो इस साइन से आप ए बी सी ए वेरिएबल बना सकते हैं आप, या ए बी सी स्लैश बी सी डी आप बना सकते हैं, या जैसे कि फर्स्ट नेम स्लैश सेकंड नेम आप बना सकते हैं, या कोई भी वेरिएबल ए बी सी हो, उसके बाद में आप वन टू रख सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम आपको क्या है कि वन टू से शुरू नहीं करना है, इसे शुरू नहीं करना है। और इसे भी शुरू कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो चलिए, हम यूज करते हैं ये वाला भी, दोनों देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं हम। जो प्रोग्राम का पहला मैं वेरिएबल बनाता हूँ, नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उस पर साइन करवाता हूँ एक नेम, कोई भी नेम। जैसे कि मैं ये नाम साइन करवाता हूँ राजेश नाम का। तो देखिए, ये इसका कलर देखिए वाइट है, यानी कि अभी तक ये सही है। आप इस तरीके के आप असाइन कर सकते हैं, और इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, प्रिंट नेम। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको प्रिंट करवा चाहते हैं कि नेम को, इसका मतलब क्या है कि जो नेम है उस नेम पे असाइन हो गया राजेश। यानी कि अभी जो नेम है, नेम का मतलब क्या आ गया, राजेश आ गया है। यानी कि यहाँ प्रिंट होना चाहिए राजेश, प्रिंट होना चाहिए क्या, राजेश। यानी कि आप जो भी इसके अंदर लिखेंगे ना, वो इस पे जाके असाइन हो जाएगा नाम पे। तो जैसे कि मैं आपको और दिखाता हूँ, राजेश कुमार यादव, यानी कि अभी क्या हो गया, इसका पूरा नाम राजेश कुमार यादव हो गया। या और कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम नेपाल, ये भी हो गया। तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब आप जो एक कॉमा दो, इन्वर्टेड कॉमा दो है ना, इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे, इसके अंदर ये जो भी लिखेंगे, ये सारा आ जाएगा नेम पे। अगर आप नेम को प्रिंट करेंगे, इसका मतलब कि आप इस सम को प्रिंट करना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं इसे वेरिएबल, कि इस वेरिएबल पे हमने ये सारा असाइन करवा दिया। इतना बड़ा यहाँ पे ना लिखना पड़े, जिससे कि आपको मैं, चलो मैं पहले इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। पाइथन बार डॉट पी वाई, ये देखिए राजेश आया। क्योंकि राजेश क्यों आया, क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया था अभी। अब सेव करके देखते हैं, इसको सेव हो गया। फिर से आते हैं, ये देखिए
राजेश कुमार यादव फ्रॉम नेपाल आ गया, मतलब यहाँ पे जितना था अंदर सारा आ गया। और दूसरा उपाय क्या है, रूल क्या है कि आप इसको कॉपी करके आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ना रखता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ प्रिंट, ये देखिए अब दोनों सेम है। पहले मैं इसको क्लियर कर लिया, पाइथन डॉट अप पी वाई, ये देखिए दोनों आ गया सेम। लेकिन क्या होता कि आपको इसी नाम को अगर 10 बार प्रिंट करवाना पड़ जाए, हो सकता है प्रोग्राम है भाई, आपको कितना बार भी इसे प्रिंट करवाना पड़ सकता है, तो इसी नाम को अगर आपको 10 बार प्रिंट करवाना पड़े तो आपको 10 बार, ये देखिए लाइन कितना बड़ा, बार बार इस ऐसे ऐसे आपको 10 बार, मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप तो फॉर लूप लगा लेंगे या लूप लगा लेंगे, लेकिन इस तरीके से आप देखिए 10 बार लिख रहा है जो कितना बड़ा हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि एक उतना अच्छा फीचर नहीं है कि आप इतना बड़ा बनाएं, इसलिए इसका नाम छोटा सा एक वेरिएबल बना लें, उस वेरिएबल पे आप पूरा चीज़ ला के असाइन करवा लें यहाँ पे, उसके बाद में इसका छोटा सा ऐसे सिंपली सा आप लिख दें नेम, काम ख़त्म। देखो काम वही करेगा आप दोनों, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, ये सारा कुछ हो गया। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से असाइन हो जाएगा, तो इसीलिए हम वेरिएबल बनाते हैं। समझ आपको आ गया होगा शायद कि वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं कि इसी वैल्यू को हम छोटा कर लें। जैसे कि मैं आपको बनाता हूँ छोटा वेरिएबल दूसरा एक, जैसे कि ये हो गया, अब यहाँ मैं बनाता हूँ इस तरीके से फर्स्ट अंडर स्कोर नेम, देखिए आप अंडर स्कोर लगा सकते हैं, लास्ट अंडर स्कोर नेम, अब लास्ट नेम मैं कुमार यादव, अब देखिए अब इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि फुल नेम आ जाए, फुल अंडर स्कोर नेम, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कैमल लग देते हैं ऐसे ही हम। तो देखिए आप एक बात ध्यान में रखिए, पहले तो आप इस माल से ही शुरू करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो आप ऐसे लगा दें तो आपको सबको पता चल जाएगा कि ये दूसरा वर्ड लिखने जा रहा है, या तो आप जो सेकेंड वर्ड शुरू करें उसको कैपिटल कर दें, ये इसे बोलते हैं कैमल, तो आप ये भी कर सकते हैं नेम। देखिए जब जब सेकंड वर्ड शुरू किया तो हमने कैपिटल लगा दिया, इस पर मैं ऐसा करवाता हूँ फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, अब दोनों को मैंने यहाँ पे ऐसा करवा दिया, अब फुल नेम जो है यहाँ पे मैंने प्रिंट कर देना, फुल नेम को फुल नेम, अब देखते हैं एक बार जाके, देखिए राजेश कुमार यादव, यानी कि ये फर्स्ट नेम जो था ये भी और जो सेकेंड नेम था वो भी दोनों एक में आके फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गया, सेकेंड नेम यहाँ पे आ गया, फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गया, सेकेंड नेम यहाँ पे आ गया, और दोनों ऐड हो गया। मतलब आपको आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा ये ऑपरेटर जो है ये प्लस का काम है, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि 2+3 कर देना, सेम वही है ये 2+3 या 2+4, जो प्लस कर देना मतलब ऐड कर देना। इसी तरीके से आपको यहाँ पे नेम भी ऐड करके दे देगा, यहाँ पे जो नेम है ना उसको भी ऐड करके इस पे साइन कर दिया, इसको प्रिंट करने का मतलब क्या हो गया, ये दोनों नाम प्रिंट हो गया। इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसको यूज़ किया है। दूसरी बात क्या है कि आप यहाँ पर मल्टीपल भी लगा सकते हैं, जैसे मल्टीपल कर दिया 2, तो अब क्या होना चाहिए, 2 बार प्रिंट हो जाना चाहिए इसको, ये देखिए राजेश कुमार, राजेश कुमार अनिल यादव यहाँ आ गया, समझ आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से, अच्छा नहीं नहीं ये तो काम अलग हो गया, राजेश कुमार यादव, राजेश कुमार यादव 2 बार आ गया है। तो क्या होता कि ऐसे इस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हैं, वेरिएबल बना के वेरिएबल पे आप वैल्यू असाइन करके आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये है सिंपल रूल वेरिएबल का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो कमेंट लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को।